तो अभी ये इसको खिला रहा हूँ मैं, इसके लिए चिप्स वगैरह ले आया था। ये तो इसने मोए मोए कर दिया। अच्छा ये हमारा प्लेट आ गया, इसके अंदर लैम रिब्स हैं, लैम चॉप्स हैं, चिकन स्टीक है, विंग्स हैं, साथ पोशन। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा, बस अभी चलते हैं, सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हैं नाश्ता करने शनिवार रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ से नाश्ता करते हैं क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा नहीं, तो ना करते घर से करके आते हैं, तो बस नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे के लिए निकलते हैं। जो ऑर्डर मैंने किया वो निहारी है, चने हैं और नान है। नाश्ता इनका बहुत ऑथेंटिक, मतलब प्रॉपर नाश्ता है, जो पाकिस्तानी नाश्ता है। तो ये इनका मेन्यू है, रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, छोटा सा, बहुत बिजी होता है, तो बस इंशाल्लाह खाते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारी निहारी नान और चने आ गए हैं, तो ट्राई करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, बस अब निकलते हैं, काफी लेट हो गया है, तो अब आपको रास्ते में मिलता हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क। ये तकरीबन हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता है, तो चलते हैं अब। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट ही लग रहा है क्योंकि जो मैंने टिकट बुक किए थे वो थे 1:30 से लेकर 2 बजे के दरमियान में, तो जो हमें नेट के ऊपर टाइम बता रहा है वो तकरीबन हमें बता रहा है कि 3 बजे हम पहुंचेंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं कहीं हमारे साथ भी मोए मोए ना हो जाए, तो अब चलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। तकरीबन घंटा अभी हमें 2 घंटे मजीद बता रहा है, 11 बजे सिर्फ हम जो लेट हुए हैं वो नाश्ते की वजह से हो गया है, तो बस अब इंशाल्लाह टॉप टॉप जाते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट उन लोगों ने हमें दे दिया, तो वो बोल रही थी कि ये इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कह के, तो अभी ये देखिए काफी बिजी है। अब सबसे पहले ये हम लोग पहुंचे हैं, ये देखें अफ्रीकन प्लेन्स हैं, अब यहाँ पे पता नहीं क्या है, वो उस तरफ देखें क्या जबरदस्त व्यू है। तो मेरी तो कोशिश है वो जराफा मिल जाए ताकि मजा आ जाए। तो ये गाड़ियां इनकी खड़ी हैं जो मतलब आपको वैसे सफारी विजिट करवाती हैं। अच्छा जी, ये देखें पता नहीं कौन सी नस्ल का, ये मतलब हिरन की नस्ल है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। तो अभी ये इसको खिला रहा हूँ मैं, इसके लिए चिप्स वगैरह ले आया था, तो काफी ज्यादा खड़े में, एक ये है, एक वो है, उसके बाद एक वो सामने खड़ा हुआ है, तो अभी ये हाथ से खा रहा है। अच्छा जी, ये देखें ये गैंडे थोड़े काफी दूर है, लेकिन आपको यहाँ से नजर आ रहा है। अच्छा, ये कोई भैंसे हैं, बड़ी खतरनाक नस्ल की है भैंस, ये देखें इनकी सींगे देखें, लंबी लंबी, कितनी लंबी सींगे हैं इनकी, मतलब पीछे की तरफ जा रही हैं। और इनका कान देखें कितना फैंसी है, कानों के ऊपर बाल निकले हुए हैं। अच्छा, ये अभी हिरन है काफी ज्यादा, तो इनको बस देते हैं, कुछ फीडिंग करते हैं। अच्छा जी, ये शेर का केव है, वो देखें वो सामने आ रहा है, टाइगर है, तो एक ये केज है, इनको बंद किया हुआ, इनको ओपन नहीं किया हुआ क्योंकि दूसरे ओपन जानवर भी हैं। जिस तरह ये मेरी, आप इस तरफ देखें, ये राइट साइड के ऊपर ये सारे जेबरे हैं, उसके अलावा हिरन भी बैठे हुए हैं, जेबरे भी हैं और वो दूसरी गाय भी हैं। तो अभी आपको दूसरा एक और शेर दिखाता हूँ, वो नेक्स्ट केज में है। एक ये वाइट टाइगर है, ये आप माशाल्लाह देखें कितना बड़ा है, और लोग खड़े हैं काफी, लेकिन हमने गाड़ी निकाल ली है।
साथ साथ ये बोल भी रहा है। माशाल्लाह आप ये व्यू देखें कैसा जबरदस्त व्यू है, तो काफी मजे का, मुझे तो काफी मजा आ रहा है, रश भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे पता नहीं अब कौन सा जानवर है क्योंकि पीछे लिखा हुआ है डू नॉट फीड, हो सकता है कि जराफा हो या हिरन वगैरह। अच्छा ये इधर वो दो कुहान वाले जो ऊंट है वो है, तो बैठे हुए अभी तो रेस्ट कर रहे हैं, तो बस अब आगे चलते हैं। तो ये मेरे पीछे आप व्यू देखें, चेक करें मेरे पीछे वाला ये व्यू चेक करें, अच्छे सामने हाथी भी फिर है लेकिन ये काफी दूर कर गया है, ये ऊपर नहीं है, इस तरह है मतलब करीब ही है, थोड़ी सी इन्होंने बाउंड्रीज के लिए लगाई हुई है। तो कोशिश करता हूँ कि कुछ जेबरा कोई पास आ जाए उसको कोई फीड कर दें। अच्छा मैं मोड़ की गाड़ी वापस ले आया, मैंने कहा इनको कुछ खिलाने के लिए दे दें अगर, तो मेरे पास आ गया तो इसको कुछ देते हैं। क्रिस्प में लेकर आया हूँ क्योंकि पीछे मैं डाल रहा था तो उसने मुझे रोक दिया कि आप क्रिस्प ना डालें इन्हें, तो अभी उसी को थोड़ा प्रेस करके देते हैं। अच्छा जी ये जेब्रा देखे माशाल्लाह, ये तो इसको यह पसंद नहीं आए, चला गया दूर मेरे से ये तो इसने मोए मोए कर दिया। एक दूसरा भी इसको ट्राई करते हैं अगर खा लिया तो, ये देखें माशाल्लाह। असल इसको मेरे हाथ से पसंद नहीं आया, तो बाकी दूसरों की गाड़ी से खा रहा था लेकिन मेरे हाथ से नहीं खाया, तो बस अब चलते हैं कहीं और दोबारा चक्कर लगा के फिर वापस आते हैं। अच्छा अभी हम इधर आ गए, कोई गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो तो खत्म हो गया, इतना बड़ा जू तो काफी बड़ा था सफारी पार्क लेकिन अंदर कोई जानवर इतने ज्यादा नहीं थे, तो बस अभी गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं फिर अंदर चलते हैं। अंदर भी काफी ज्यादा चीजें हैं, मतलब पेंगुइन वगैरह इस तरह की चीजें, सी लायन हो गया। अच्छा अभी बस पार्किंग लगाई है गाड़ी की, तो ये यहाँ से आइसक्रीम लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। अंदर काफी ज्यादा इनके परिंदे हैं, मतलब परिंदे भी हैं, उसके बाद सी लायन है, पेंगुइन है, तो रश भी काफी ज्यादा है, बस आइसक्रीम लेते हैं और अंदर चलते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह हम पहुंच गए, आप ये देखें पेंगुइन्स कितने प्यारे लग रहे हैं, तो ये देखें ये स्विमिंग भी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी यहाँ पे जो माहौल मतलब बहुत वीआईपी किस्म का है, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा तैर भी रहे हैं, उसके बाद वो सामने भी खड़े हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो बस इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे पता चलता है क्या क्या है। अच्छा ये इन्होंने केव सा बनाया हुआ पेंगुइन का, तो ये देखें काफ़ी मतलब खूबसूरत करके। अच्छा ये सी लायन थिएटर भी है लेकिन ये मुझे लग रहा है क्लोज है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो अब पता चलता है कि हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं जो जो हमें मिला। अच्छा ये लॉरी की लैंडिंग है यहाँ पे मेरे ख्याल से पैरट वगैरह, तो अंदर चलते हैं देखते हैं है भी या नहीं है, बल्कि आवाज़ें तो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, बस अंदर चलते हैं। अच्छा ये लोरी कोड लैंडिंग है, यहाँ पे सारे तोते हैं, ये देखें ये काले की सर पर बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ही रश काफ़ी ज़्यादा ही है, ये मतलब तोतों का शोर है यहाँ पे, तो ये देखें कैसे जबरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा ये देखें हाथ पे बैठ गया, मतलब ये इतने यहाँ पे ट्रेन है कि बिल्कुल माशाल्लाह, ये देख कंधे पे बैठ गया।
अच्छा ये जो है रेप्टाइल है जी, स्नेक में काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, स्नेक और इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे अगर नज़र आ गई तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा स्नेक है, और अच्छा ये देखिए ये कितना बड़ा स्नेक है, ये बैठा हुआ ये दोनों तकरीबन, एक ये है और एक ये सामने है, आपको अगर नजर आए तो। बस अब बाहर चलते हैं, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया एरिया। अच्छा जी ये वाला सांप है ग्रीन एनाकोंडा, साउथ अमेरिका की ये ब्रीड है, तकरीबन ये दो हैं एक केज के अंदर, और काफ़ी बड़ा इसका ये पूरा हट सा बनाया हुआ है। अच्छा काफ़ी बड़ा पार्क है ये, तो बस एंड लग गया है ये। अब इसके अंदर यहाँ पे जो कोई अम्यूजमेंट जो होता है मतलब बच्चों के खेलने की जगह, बस इसके बाद घर की तरफ चलते हैं, बल्कि एक और जगह पर जाना भी सबसे पहले वहाँ पर चलते हैं। आपको थोड़ा सा जो ये आगे है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा माशाल्लाह ये आखिरी जगह पे पहुंच गए, ये हिप्पोपोटामस है वो सामने खड़ा हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा है ये सामने दो खड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारे, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है, काफ़ी खूबसूरत लेक है ये। तो बस ये मेरे ख्याल से लास्ट स्पॉट यही है यहाँ का, इसके बाद पार्क जो है ना एंड हो रहा है। अच्छा ये एक वाटर सप्लाई स्लाइड है, ये मैंने ली थी लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन अंदर जाने नहीं दिया, काफ़ी मज़े की थी, तो ट्राई मैंने किया कि उसको दूसरी दफ़ा भी जाऊं और फ़ोन लेके, लेकिन वो कहता नहीं फ़ोन अलाउ नहीं है, तो फ़ोन उसने मेरा इंटरेस्ट पे ले लिया था। तो बस अब ये एंड लग गया है पार्क का, तो बस अब इंशाल्लाह चलते हैं कहीं और। अच्छा जी हो गया है, निकल आए यहाँ से, बहुत मज़ा आया, ट्रिप अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सफारी पार्क में थे ज़्यादा नहीं थे एनिमल जितना सोचा हुआ था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, तो बस अब निकलते हैं। अच्छा अभी हम लोग आए इस्तांबुल रेस्टोरेंट है वुल्वरहैम्पटन में, ये वुल्वरहैम्पटन जो है ना वेस्ट मिडलैंड से तकरीबन 10 माइल आगे है, तो बस अभी ये यहाँ पे खाना खाते हैं, अंदर चलते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या इनका मेन्यू। अच्छा ये भी आ गया हमारा हुमस है, उसके बाद ये ब्रेड है, आए थे इधर देखो, ये मेरी छोटी जो सिस्टर इन लॉ की बेटी है, तो बस अभी देखते हैं प्लेटर में हमारा क्या क्या आ रहा है। तो अच्छा ये हमारा प्लेटर आ गया, इसके अंदर लैम्ब रिब्स है, लैम्ब चॉप्स है, चिकन स्टीक है, विंग्स हैं, साथ पोर्शन राइस का, और साथ ये सैलड है। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं, ये कबाब है, हुम्मस का आए थे देखो, उसमें जरा मिर्च नहीं चमन दिखानो अच्छा ये लैम्प चौक है, काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा इनकी जितनी भी पूरा प्लेटफॉर्म है सिर्फ जो
मैरिनेशन हो या सिर्फ नमक है। अच्छा अभी हमारा खावा आ गया, बोलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। लाइक शेयर बनो। ओके अब इसके अंदर वो डालो आयत शुगर। थैंक यू आयत। अच्छा अभी हम लोग खाना शाना खा चुके हैं, तो आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सी अल्लाह हाफिज़।